इनकी तकलीफ की चिंता तू मत कर, इनकी तकलीफ की चिंता महाराज भली भांति कर रहे हैं। तुम्हारे इस फालतू के भाषण से इन्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं है भीमराव। ये लीजिए भभूत, जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वो सब लोग लीजिए, ये लीजिए। बाला ने जो पाप किया है और उससे जो ईश्वर रुष्ट हुए हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। आइए भभूत ले लीजिए आप भी, लो भभूत लो, ईश्वर तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। आओ पंडित जी, भीमराव जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अच्छा, ये महाराज का सिद्ध किया हो बहुत ये गलत है, और ये छोटी जात का भीम जो बोल रहा है ये बकवास कर रहा है, वो सही है। नहीं चाहिए हमें महाराज का ये बबूत। भीमराव मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये शराब बंद होनी चाहिए। भीमराव मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो। हाँ भीमराव, इस शराब बंदी की मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, ये बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, हाँ हाँ बंद होनी चाहिए। तुम सब औरतों का दिमाग खराब हो गया है, इस छोटे जात वाले भीम के साथ खड़ी हो, खुद तो दूषित होगी साथ साथ धर्म को भी भ्रष्ट करोगी तुम लोग। हम भीम के साथ शराब बंदी के लिए है, इससे धर्म का क्या लेना देना। अरे जिस भीम की परछाई से हम सब अशुद्ध हो जाते हैं उसका साथ दोगे तुम हैं? कम से कम अपनी पति की इज्जत और जात का तो ख्याल रखा होता, अभी के अभी हटो उसके पीछे से। नहीं हटेंगे, जब सुबह हम कुएं पे पानी भरने जाते हैं और पास के मोहल्ले की औरतें जब ये पूछती हैं कि क्यों रे, कल रात को तेरा पति दारू पी के आया था, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तब आप लोगों की इज्जत कहां चली जाती है। आप लोगों को समझा समझा कर थक गए, पर अब भीमराव ने आपको समझाने के अलावा एक और उपाय बताया है जो हम लोगों को सही लग रहा है। इस समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, और अब हम वही करेंगे जो भीमराव कहेगा। अरे पति की इच्छा के खिलाफ जाना ही पत्नी के लिए पाप होता है पाप, और यही पाप तुम्हें परिवार के विनाश की ओर ले जाएगा। पंडित जी, ये औरतें अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि खतरे में डालने की, लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। और पंडित जी, ये जो भभूत है वो बाद में भी काम करेगा ना, तो शराबबंदी के बाद अगर कोई संकट आता है तो ले आइएगा ये आपका भभूत। तुम लोगों का नाटक ऐसे खत्म नहीं होगा राम जी, तू रोकती रही तो। आप मेरे बेटे को मारेंगे, ये गलती कभी मत कीजिएगा, वो आपकी भलाई की बात कर रहा है और आप तिल मिला रहे। ए राम जी, तेरे बेटे से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपनी अपनी पत्नियों से निपटते हैं, और ऐसे नहीं मानेंगी ना तो डंडे के बल पर उन्हें ले जाएंगे। ये आपकी घर की औरतें हैं, कोई गुलाम नहीं, जो आपकी बातें नहीं मानेंगी तो आप उन्हें दंड देंगे। इनकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि ये जो भी करेंगी
आपके भले के लिए ही करेंगी, और ये जो भी सोच रही हैं आपके भले के लिए ही सोच रही हैं। देखता हूँ कैसे तोड़ते हो भट्टी को। ए चलो काम करो, देखता हूँ कौन क्या करता है। तुम राम जी के सिर पर वार करना, वार होते ही राम जी जमीन पर गिर जाएगा और फिर भीमराव और आनंद राम जी के करीब, और तुम उन सारी औरतों में से किसी एक औरत के सिर पर वार करना, वार होते ही वो औरत जमीन पर गिर जाएगी, बाकी की सारी औरतें उस औरत के समीप। वार कितने हुए? सिर्फ दो, और पूरा तमाशा खत्म। हम सब थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, अगर तब तक भी इन्होंने नहीं हटाया तो हम सब तोड़ देंगे। हाँ। व्यक्तिगत क्षति के कारण नायक युद्ध भूमि नहीं छोड़ता है, तनिक उन लोगों को देखो, वो लोग किसके सहारे ये जंग लड़ने के लिए आई थी? तुम्हारे, और तुम ही उन्हें घायल और अकेला छोड़ के जा रहे हो। ऐसे में जंग लड़ने वाले नायक की विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। एक व्यक्ति कई बार खुद को ऐसे दोलाहे पे पाता है, उस क्षण वो किस तरफ जाता है उससे यह तय होता है कि उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है, वो भरोसे लायक है या भरोसे लायक नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, मुझे जीवन का ये सबक सिखाने के लिए कि सच की लड़ाई में नायक के लिए सब अपने होते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप सबसे दूर एक कदम भी नहीं जाना चाहिए था। अब आप सबकी लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और बिना जीत हासिल के यहाँ से नहीं लौटेंगे। आप इन्हें वैद्य के पास ले जाइए, इलाज करवाइए इनका। चलिए इन्हें ले चलते हैं, उठाओ इसे। यही नहीं, आप सब भी जाएंगे यहाँ से। भीमराव, जहरीली शराब कैसे बनी, क्यों बनी, यह एक जांच का विषय है। इसके लिए शराब की भट्टी बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी? वो इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था तय करती है कि किस उत्पाद को बिकना चाहिए और किसे नहीं, तुम नहीं। ये व्यवस्था किसके लिए है? जनता के लिए। तो ये जनता तय करेगी, और वो जनता हम हैं, और हम सब चाहते हैं कि ये शराब की भट्टी बंद हो। ये कुछ लोग जनता नहीं होते, लेकिन प्रशासन तक आवाज पहुंचाने के लिए एक आवाज भी काफी होनी चाहिए, ये तो फिर भी ज्यादा है। फालतू की बहस नहीं, आधे दिन का समय देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस बुलाकर डंडे मरवाकर यहाँ से भगाऊंगा। आधा दिन नहीं,
हम आपको उतना समय देते हैं जितना आपको चाहिए। ये भट्टी बंद होगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, चलो चलो। मैंने तो देखा है कि मेरी आई अगर किसी चीज को ठान लेती थी तो उसे वो करती ही थी। मुझे लगता है कि इन सारी औरतों में भी समान इच्छा शक्ति होगी, समान संकल्प होगा, और ये सिर्फ यहाँ की ही नहीं बल्कि पूरे सातारा की शराब की भट्टियां बंद करके ही जाएंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। देखो भीमराव, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से माहौल बिगड़ सकता है, तुम पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, तुम्हें सजा भी हो सकती है। और उन लठैतों ने यहाँ आकर जो मारपीट की उससे व्यवस्था भंग नहीं हुई। जाइए पहले जाकर उनको पकड़िए, हमारे रहते भीम का कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे रहते इनको भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुम्हें शासन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। चाहिए है? तलाशी लेने आए हैं महाराज। तलाशी? जी हाँ, तलाशी। जाइएगा कि महाराज तो हक और धर्म के साथ खड़े होने वालों में से हैं। ये वाला आपको तलाशी लेने से क्यों रोकेंगे? क्या हुआ महाराज? अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। चल चल। शांत हो जाओ तुम दोनों। अरे तुमने तो हमसे कहा था कि गरीब हो, भूखे हो, प्यासे हो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इसलिए तो हमने तुम्हें शरण दे दी। ले जाओ इन्हें, और कानून के हिसाब से जो भी सजा उचित हो दे दो। ले चलो दोनों को। अलग कहा था ना महाराज कि एक दिन आपको इस गांव से भगा कर आऊंगा, लेकिन आप जैसे लोगों को गांव से भगाने से पहले लोगों के मन से भी निकालना जरूरी है, और उसकी शुरुआत आज हो गई है। आप चाहे उन दोनों लठेतों को अपने घर में छुपाने का जो भी कारण इन्हें समझाए, लेकिन ये समझेंगी नहीं। आपकी भाषा में कहूँ
तो पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है, और आपका पाप का घड़ा भर गया है। प्रणाम महाराज। हमारी इज्जत को ऐसे चौक चौराहे पर नीलाम करोगी? अब चुपचाप घर चल, बहुत नाटक हो गया है तेरा। औकात भूल गई है तू? नाथ खाएगी ना तो समझ में आएगा। देखा भीमराव, सारा तमाशा खत्म। अब ये औरतें जबरन उनके घर लौटा ली जाएगी। चार लाते खाएंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो महाराज, आपको अंदाजा भी नहीं होगा क्या भी औरतें क्या करने वाली है। आप सारी औरतों को आपके पति बलपूर्वक यहाँ से ले जाने के लिए अवश्य आएंगे, लेकिन उस समय आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। उनके ज्यादती के जवाब में उन्हें आईना दिखाना होगा। उनसे ये भी कहना होगा कि वो आपके पति होकर भी आपका साथ नहीं दे सकते, तो आप भी उनसे कोई रिश्ता मत रखिएगा। पर इस तरह से तो हमारे पति हमें छोड़ देंगे ना? और आप सबके इसी डर का वो लोग फायदा उठाते हैं। और अधिकांश पुरुषों को यही आत्मविश्वास रहता है कि उनकी पत्नियां किसी भी हाल में उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। इसलिए इस बार हिम्मत कीजिए, भीमराव पर विश्वास रखिए, आपका कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा। तो ठीक है, आज से आपसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। मुझे जो करना है करने दीजिए। हम सारी औरतें अपने अपने पतियों से आज सारे रिश्ते तोड़ते हैं। बस बस, अच्छे से रहना। अब इस घर में तू ही है जो हम सबको एक साथ अच्छे से रख सकती है, और मुझे इस बात की खुशी है कि तू अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है और निभाने भी लगी है। हम सबको तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। ज्यादा नहीं खलेगी दीदी, आपके भैया ने बोला है ना, आपके रहने का इंतजाम वो कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। बाला, घर में तुम सबसे बड़े हो, इन सब का ख्याल रखना। रंजन, मंगेश, तुम दोनों आते जाते देखते रहना। राम जी, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ, हम सब ख्याल रखेंगे। चलो जी सब भाई। बैठो। और हाँ, जब वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम सबको बुला लूंगा। तुलसा, मंजुला, रोना नहीं है।
चलो भाई। जाता है सो जान दे तेरी दसान जाए खेवटिया की नाव झूम घने मिलेंगे आए घने मिलेंगे आए। भीमराव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ इधर आओ। भीमराव जब तुमने सफाई शुरू ही कर दी है तो पूरा साफ कर दो। कुछ समझा नहीं काका। तुमने शराबबंदी करवाई है ना, ये महाराज शराब से भी ज्यादा जहरीले हैं। इसे कुछ भी करके इस सतारा से भगाना ही होगा। महाराज चाहे जितने जहरीले हो आप ही बताइए, इस समाज में जहर किसके पास नहीं है। जब महाराज यहाँ नहीं थे तो सतारा क्या बहुत अच्छा था, हम रोज अपमान से नहीं जीते थे, सब कुछ ठीक होने में बहुत समय लगेगा। चाहे जितना वक्त लगे लेकिन इस महाराज को सतारा से भगाना ही होगा। मेरा अपना अनुभव कहता है जब हम सब मिलकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करते थे और तुम्हारा परिवार उससे डटकर मुकाबला करता था, तब कहीं ना कहीं कसम खाकर कहता हूं हम सब थक जाते थे और धीरे धीरे तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर हो जाते थे, लेकिन इस महाराज ने कभी हमें थकने नहीं दिया। जब भी नफरत की आग धीमी पड़ जाती थी ये महाराज उसमें घी डालकर भड़का देते थे। भीमराव इस महाराज के जाने से हमारे समाज में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, इसलिए भीमराव इस महाराज को इस सतारा से भगाने का तरीका बताओ। देखिए काका आप महाराज का जो सच जानते हैं सबके सामने ला दीजिए, महाराज खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि महाराज को गांव से निकालने के साथ साथ लोगों के मन से भी निकालना जरूरी है। महाराज मैं जानता हूँ तुम फिर कोई ना कोई योजना बना रहे हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारी योजना में फंसाऊंगा। इसके पहले कि कोई हमारी कार ढूंढ कर निकाले हमें सातारा गांव से भाग जाना चाहिए, किंतु तुरंत अगर हम भाग गए तो वो पंडित या सेठ को संदेह हो जाएगा कि उस चोरी में हमारी भी हिस्सेदारी होगी। यदि वो सेठ या पंडित हमारे खिलाफ हो गया ना तो हम इस सातारा गांव से भाग पाएंगे और ना ही किसी और जगह जाकर इस धर्म के धंधे को बसा पाएंगे। इसलिए सर्वज्ञ महाराज फिर एक बार अपनी वही छवि बना दीजिए जो इस सातारा गांव में आते समय बनाई थी, और एक बार वो बन गया तो हम इस सातारा से चले जाएंगे ताकि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े तो हम वापस भी आ जाएंगे। इसके बारे में कुछ तो सोचना होगा। प्रणाम महाराज। महाराज आपने हमें बुलाया? हाँ, दरअसल कल से हमारा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। बार बार ये सवाल हमारे मन में आ रहा है कि जिस समाज का व्यक्ति ईश्वर के घर में चोरी करने के लिए पहुंच सकता है उस समाज का वतन किस हद तक हो चुका है, और इसलिए
संपूर्ण शांति के 5 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को हम सामूहिक हवन पूजा करते हैं। लोगों को जाकर कहिए कि जितना हो सके दान करें, क्योंकि ग्रहों में चंद्रमा शांति का प्रतीक माने जाते हैं और चंद्रमा की पूजा से सब कुछ शांत होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। ठीक है महाराज, हम पूजा आयोजन का प्रबंध करते हैं। और मैं जाकर गांव वालों को सूचित करता हूँ महाराज। और उसी पूजा हवन के अंत में सारा दान वान लेकर लोगों से इजाजत लेकर हम सातारा छोड़ देंगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ राम जी जो तुम यहाँ आ गए, जहाँ तुम पहले काम करते थे वहां भी मैंने पता किया, तुम बहुत कुशल मुंशी हो। धन्यवाद सेठ जी। तो ठीक है, आइए मेरे साथ, सब कुछ समझा देता हूँ और पैसे वैसे की बात कर लेंगे। सेठ जी, पैसे आप जो उचित समझे दे दीजिए, बस आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैं छोटी जात से हूं। अरे भाई, हम सभी यहाँ छोटी जात के हैं। ये काम अंग्रेजी हुकूमत का है, तालाबी खुदाई काम गरीब लोगों को दिया गया है और जिसका ठेका मेरे नाम पर है। और वैसे भी बड़ी जात के लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। सेठ जी, छोटा मोटा काम मुझे भी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती, इनकी तनख्वाह कम पड़ जाती है इसलिए। ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं। आइए।